हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। इसके अंदर आप कर रहे थे फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे आपके जो अगर फ्लक्चुएशन हो रही है इंजन के अंदर, ठीक है, या किसी चीज के अंदर, उस फ्लक्चुएशन को, एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लाईव्हील। और आपने इसके अंदर एक चीज और पढ़ी थी कि कैसे अगर स्टीम इंजन है तो उसका जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसे बनेगा, ठीक है, और अगर आपका आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, तो उसका जो है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम वो कैसे बनेगा। उसके बाद आपने किया था कि कैसे आप मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए वही टर्निंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। आज आप पढ़ेंगे कि फ्लक्चुएशन ऑफ, मैंने आपको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बताया था कि सॉरी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किया था आपने। नेक्स्ट टॉपिक बनता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के जो स्पीड है वो कैसे फ्लक्चुएट करती है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नॉन क्या होता है, जब आपका डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इज नॉन एज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है कि कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। आपने किया था कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो आपका फिर से कर लेते हैं उसको, कॉफिशियंट कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लक्चुएशन आपने किया था, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन जो आपकी टर्म्स हैं, जो एनर्जीज हैं, उसके अंदर डिफरेंस, जब आप कह सकते हैं द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल, देन कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सी, एनर्जी है तो सी ई, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इज इक्वल टू, सॉरी मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं इसको, द डिफरेंस जब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकल, एक साइकल में उसके ऊपर कितना वर्क हुआ और टोटल आपका कितना उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, ठीक है। फ्लक्चुएशन को आप लिखते थे ई मैक्स से, ठीक है, और वर्क डन आपका वर्क डन ही होता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसका मैक्सिमम कॉफिशियंट, सॉरी कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सी ई निकाल सकते हो, ठीक है। सी ई निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। नेक्स्ट है कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। देन सी कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था, सबसे पहले आपने बोला था कि अगर डिफरेंस, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवाई नहीं थी कॉफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड,
इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड. फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मीन्स दो तरीके की स्पीड्स होती हैं, एक तो मैक्सिमम स्पीड एक मिनिमम स्पीड, उन दोनों के बीच का डिफरेंस. यानी कि क्या हो रहा है, कभी तो फ्लाई व्हील जो है उसके ऊपर सबसे मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, जब पावर स्ट्रोक होता है. तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो स्पीड आई वो क्या है, मैक्सिमम स्पीड, और माइनस मिनिमम स्पीड जब वो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, ठीक है, उस दौरान जो स्पीड आएगी वो मिनिमम स्पीड होगी. तो n1 क्या है मैक्सिमम स्पीड, n2 क्या है मिनिमम स्पीड. इन दोनों को जब आप एक दूसरे से माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कि इतना स्पीड जो है फ्लक्चुएट कर रही है, कभी तो मैक्सिमम चली जाती है कभी मिनिमम चली जाती है. तो ये क्या, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड n, ठीक है. यहां से क्या निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ स्पीड, ठीक है, यहां से आप कोफिशिएंट ऑफ स्पीड निकाल सकते हो. ऐसे ही फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी था, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन टू द वर्क डन पर साइकिल. यहां से आप क्या निकाल सकते थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते थे. तो आपको दोनों फार्मूलाज पता चले कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कैसे निकालना है, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर आपको ये जो है नंबर ऑफ स्पीड, जो नंबर ऑफ रोटेशन के अंदर ना दी हो, एंगुलर स्पीड दी हो, एंगुलर स्पीड के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा. सी एस फॉर एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा मीन एंगुलर स्पीड. मैक्सिमम एंगुलर स्पीड मतलब क्या, एंगुलर स्पीड होती है एंगल के अंदर, कि एक सेकंड के अंदर इतने एंगल टर्न कर रहा है वो होती है एंगुलर स्पीड, ठीक है. मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, मिनिमम एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय मीन एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर रोटेशन या एंगुलर स्पीड इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड. अगर एंगल में कैलकुलेट करें तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, सी एस इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, ये आ गया आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है. ऐसे करके आप इसका फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकाल सकते हो, किसी भी जो आपका कोई भी टर्म है, सी एस जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड. तो किसी फ्लाई व्हील के अंदर अगर आपने फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है तो एंगुलर स्पीड दे रखी है अगर आपको, तो मैक्सिमम एंगुलर माइनस मिनिमम एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय मीन एंगुलर स्पीड. मीन एंगुलर स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी होता है यहां पे, मीन एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू जा आपका जो एन है मीन स्पीड, एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाय 2. ऐसे करके आप यहां से मीन स्पीड निकाल सकते हो, एन निकालने का फॉर्मूला है ये. एंगुलर स्पीड अगर निकालनी हो वो भी ऐसे ही निकल सकती है, मीन एंगुलर स्पीड, ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एंगुलर मीन स्पीड. ऐसे करके आप एंगुलर मीन स्पीड निकाल सकते हो, ठीक है. तो ये एंगुलर मीन स्पीड निकालने का फॉर्मूला है. आपको अगर दो ही चीजें दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमम दे रखा है, ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो ये न्यूमेरिकल इससे फॉर्मूला से, ठीक है, जो आपको बताया अभी मैंने. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिटरमिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे डिटरमिनेशन होगी, कैसे आपको फाइंड आउट करेंगे कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी कि ई मैक्स कितना है, ठीक है. ये फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, आपको न्यूमेरिकल भी इसी के अबाउट आएंगे, इसी के थ्रू आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे इसी के बेस, ठीक है. आप कर रहे हैं जैसे निकालना है अपने कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितनी है, ठीक है, किसी भी फ्लाई व्हील के अंदर. आपको फ्लाई व्हील का एक डायग्राम दिया होगा, ठीक है, फ्लाई व्हील का डायग्राम दे देगा वो,
एंड जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक ये उसका टर्निंग मोमेंट है, ठीक है, ये मीन है, मीन टर्निंग मोमेंट, ठीक है, ये लाइन जो है ये मीन टर्निंग मोमेंट है, लेकिन फ्लक्चुएशन हो रही है एनर्जी की, कभी तो मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी फिर से ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, कभी मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, ऐसे ही ये आगे की आगे जो रोटेशन है वो बढ़ती जाएगी, जो फ्लक्चुएशन है वो होती जाएगी, जितना आगे जाएगा ये उतनी ही फ्लक्चुएशन मैक्सिमम मिनिमम ऐसे जाता जाएगा। अब आपको नहीं पता कि इस पूरे आपके जो ये एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है उसकी यहां पे, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये फिर से जीरो हो जाएगा जाके, ठीक है, एक रोटेशन, एक साइकिल कंप्लीट हो गया इसका। अब आपको पता करना है कि इस साइकिल के अंदर सबसे ज्यादा पावर कहां थी, सबसे ज्यादा जो थी एनर्जी वो कहां थी, ठीक है, टर्निंग मोमेंट है ना, टर्निंग मोमेंट सबसे ज्यादा टॉर्क सबसे ज्यादा कहां पे था, इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं नंबर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसे मैंने इसको नंबर दे दिए ए बी सी डी ई एफ एंड ये इसको नंबर दे दी मैंने, सॉरी सी डी ई F एंड G तक जाएगा, ठीक है, ये अपन मिस कर दिया था। अब क्या है, यहां पे जो एनर्जी है ये ज्यादा है, आपकी मीन स्पीड से एनर्जी ज्यादा है, और यहां पे जो एनर्जी है मीन स्पीड से कम है, फिर से यहां पे एनर्जी मीन स्पीड से ज्यादा है, यहां पे एनर्जी मीन स्पीड से कम है, फिर से ज्यादा, फिर से कम, इट मींस ये वाला स्ट्रोक कब आता होगा, जब एनर्जी नहीं मिल रही आपके फ्लाईव्हील को, और ये वाला कब आता होगा, जब आपके फ्लाईव्हील को एनर्जी फुल मिल रही है, हाईएस्ट मिल रही है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी मीन से ज्यादा है, और जब उसने एनर्जी सप्लाई करनी है तो मीन से कम है। अब आपको पता करना है कि सबसे ज्यादा आपका जो फ्लक्चुएशन कितना है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करना है। ध्यान दो ए पॉइंट पर जो एनर्जी है, मैंने मीन एनर्जी को नाम दिया ई, मीन इतनी एनर्जी तो इसके अंदर है ही, यहां से जीरो से लेके यहां तक जो मीन एनर्जी वाली लाइन है वहां तक आपका टॉर्क कितना है, वो ई है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, ई जो है यहां पे ये मीन है, ये हर जगह पे अवेलेबल है, तो जब साइकिल स्टार्ट होता है तब ये एनर्जी ई के बराबर होती है, जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है मतलब कि जी के ऊपर साइकिल कंप्लीट होगा, फिर से साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर से रोटेशन जो है, अब उसने 360 क्रैंक में रोटेट कर लिया, उसके अंदर उसकी एनर्जी जो थी कभी तो मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, लेकिन जब वो फिर से उसी पॉइंट पर आएगी, जीरो पर आ जाएगी फिर से घूम के, अब फिर से सेम रोटेशन शुरू होगा, तो मतलब कि एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, फिर से ई के बराबर हो जाएगी एनर्जी, तो इट मींस पूरे साइकिल के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, लेकिन साइकिल के एंड में जो एनर्जी है वो ई के बराबर होगी, और साइकिल के स्टार्ट में एनर्जी ई के बराबर होगी, क्योंकि स्टार्ट ही एंड है, एक क्रैंक जो है वो 360 घूमने के बाद फिर से अपनी जीरो पोजीशन पर आती है, उसके बाद दूसरा साइकिल कंप्लीट करती है, इट मींस अगर यहां पे एनर्जी जीरो थी तो जब ये रोटेशन कंप्लीट करके फिर से यहां पे आएगी तब भी एनर्जी जीरो होगी, अगर यहां पे टर्निंग मोमेंट आपका 2000 न्यूटन था तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगी फिर से 2000 ही होगा उस जगह पे, अब फिर से स्टार्ट करेगी फिर से 2000 आ जाएगा उसी जगह पे जब वो वापस जाएगी। इट मींस आपको दो तरीके की रोटेशन, तो दो तरीके के पावर तो पता है टर्निंग मोमेंट, अब उसके अंदर जो एनर्जी थी वो कितनी कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे,
उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, आपको ये डायग्राम पढ़ना होता है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं आप। देन लेट द काइनेटिक एनर्जी इन फ्लाईव्हील at point A is equal to E, जो A point है, small a लिख लेता हूं मैं, small a पर एनर्जी कितनी है, मैंने मान लिया E एनर्जी है। ठीक है, टर्निंग मोमेंट एनर्जी कितनी है, E के बराबर है। ठीक है, अब जब आप पॉइंट B के ऊपर वर्क करेंगे, एनर्जी इन फ्लाई व्हील एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब एरिया है ये वाला एरिया, अगर मैं इसको, चलो ऐसा करता हूं, मैं इनको कैपिटल नाम दे देता हूं सभी को, ए बी सी डी ई एफ, सभी कैपिटल कर दिया, और जो एरिया है ये वाला, इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी एरिया, स्मॉल सी ऐसे नाम दे देता हूं। ठीक है, या एरिया ए वन ऐसे कर लेते हैं, एरिया ए वन, जैसे एरिया ए टू, एरिया ए थ्री बाहर लिख देता हूं इसको, एरिया ए टू, एरिया ए थ्री, एरिया ए फोर, एरिया ए फाइव, एरिया ए सिक्स, ऐसे लिख देते हैं आप। अब ये जो एरियाज हैं, एरिया ए वन, एरिया ए टू, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी के फ्लक्चुएशन को। अगर ये एरिया ज्यादा है तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है, अगर ये एरिया कम है तो फ्लक्चुएशन जो है वो कम है। तो अब हमने क्या लिखा था कि ई एनर्जी तो है ही यहाँ पे, इस पॉइंट पर ई एनर्जी थी, तो जब ये पॉइंट बी पर पहुंचे अपन कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है, तो जो एरिया ए वन था तो मेन पोजिशन से ज्यादा था, तो ई के साथ प्लस एरिया ए वन एड हो गया। जो ये एरिया है ये किसको शो कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी जो है वो ज्यादा है, मीन पोजीशन, मीन जो आपका एनर्जी थी वो ई थी, मीन एनर्जी से इतनी एनर्जी ज्यादा मिल गई इसको, ए वन ज्यादा है ना ऊपर की ओर है तो ए वन। ऐसे ही एनर्जी इन फ्लाई व्हील एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पर, C पॉइंट पर अब A2 एनर्जी जो है उसमें से कम हो गई, देन E प्लस A1 तो यहां तक आ ही चुका था, A1 एनर्जी उसके अंदर ऐड हो चुकी थी, अब उसमें से रिड्यूस हो गई, कम हो गई एनर्जी A2, क्योंकि यहां पे फ्लाईव्हील को क्या करना पड़ गया, ज्यादा वर्क करना पड़ गया, एनर्जी मीन पोजीशन से नीचे चली गई, देन माइनस A2, एनर्जी एट मीन पोजीशन A पर मीन एनर्जी थी E, E के बाद B पॉइंट पर उसके अंदर A1 ऐड हो गया क्योंकि ऊपर की ओर है, ये ज्यादा एनर्जी मिल गई, उसके बाद एनर्जी कम रह गई, एनर्जी फ्लाईव्हील को देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, इट मींस यहां पे माइनस हो रही है एनर्जी। ऐसे ही पॉइंट D, पॉइंट पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, डी पॉइंट के ऊपर एनर्जी कितनी रह जाएगी, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट डी लिख सकते हो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ई प्लस ए वन माइनस ए टू, यहां तक तो एनर्जी आ गई सी पॉइंट तक तो, ठीक है उसके बाद एनर्जी ऐड होगी इसके अंदर प्लस ए थ्री, ए थ्री एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी। ऐसे ही ई के ऊपर, E नहीं लिखते इसको अपन, ठीक है E यहां पे है अपने पास, तो E को स्मॉल ई लिख लेते हैं, ठीक है इसको कुछ और नाम दे सकते हो आप, E अपन ने ऑलरेडी एक मान चुके हैं अपन, ठीक है E, let E is equal to ये वाला, ठीक है तो E को स्मॉल ई कर दिया मैंने, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको कुछ और मानना होगा इसको, A1 minus A2 plus A3 यहां तक तो कॉमन है,
उसके बाद अब ई तक क्या हो गया, माइनस में और एनर्जी आ गई, सप्लाई और करनी पड़ेगी, माइनस ए फोर। ऐसे ही एफ के ऊपर अगर आप बात करें तो ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, यहां तक तो एनर्जी कॉमन है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या एनर्जी ऐड हो जाएगी, एफ पॉइंट तक जाना है अपने, ये एफ पॉइंट है, इट मींस ये वाली एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी, तो प्लस ए फाइव, ठीक है, ए फाइव इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐसे ही जी जब पॉइंट आएगा, जी पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, यहां पे कुछ स्पेशल है इसके लिए, जी के लिए क्या कि जो एनर्जी है वो तो कॉमन है यहां तक कि ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर प्लस ए फाइव। जी पर जाएंगे तो ये माइनस वाला इसके अंदर माइनस हो जाएगा, नीचे की ओर है तो माइनस होगा, माइनस ए सिक्स। लेकिन जो जी पॉइंट पर एनर्जी है, मैंने आपको बताया था कि जे जब एक साइकिल इनका कंप्लीट हो चुका है तो जी के ऊपर जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, ई के इक्वल होगी, फिर से साइकिल शुरू होगा। इट मींस आप जब ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एनर्जी किसके बराबर मिल जाएगी, ई के बराबर एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास सभी पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग एनर्जी आ चुकी है कि कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, कहाँ पे मिनिमम हो सकती है। जी पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं हो सकती क्योंकि जी और ई पॉइंट पर जो ए पॉइंट पर है एनर्जी सेम है, ठीक है, जी और ए पॉइंट पर एनर्जीज सेम है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है वैसे तो मैक्सिमम, लेकिन इनके ऊपर होने के सबसे कम चांसेस है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दोनों सेम है, सेम क्या है की पॉइंट है ये, और यहाँ पे एनर्जी शुरू होती है ई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद प्लस में आता है ए वन, फिर माइनस में आता है ए टू, फिर प्लस में आता है ए थ्री, फिर माइनस में आता है ए फोर, फिर प्लस में आता है ए फाइव, और फिर माइनस में जाता है ए सिक्स। इनमें से मान लो पॉइंट सी के ऊपर जब आपने कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम एनर्जी आ गई, पॉइंट सी के ऊपर कितना आ गया कि जो पॉइंट सी है उसके ऊपर ई प्लस ए वन, ए वन माइनस ए टू है, नहीं यहां पे नहीं, मान लो पॉइंट बी के ऊपर ई प्लस ए वन आ गया, ये मान लो आपकी मैक्सिमम एनर्जी आ गई, आपने सभी को कैलकुलेट किया, यहां पे इसको कहना इज इक्वल टू इतनी, इज इक्वल टू इतनी, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एंड सो ऑन। अब सबकी एनर्जी इसके सामने लिख दोगे आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी है, उसके सामने लिख दोगे मैक्सिमम एनर्जी। इसके ऊपर मान लो सबसे कम एनर्जी आ रही है, यहां पे लिख दोगे एनर्जी, लिखोगे पहले कितनी आ रही है, उसके बाद मिनिमम एनर्जी, देन फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो इट मींस अगर बी के ऊपर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो बी माइनस मिनिमम एनर्जी मान लो ई पर है, देन बी माइनस ई, ये क्या होगा आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। ये है फॉर्मूला आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट करने का, सिग्मा ई मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो, सिग्मा ई मैक्स मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूं तो अपन ने माना था कि बी पॉइंट पर एनर्जी सबसे ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो ई प्लस ए वन, ये एक फॉर्मूला हो गया, माइनस ई पर मान लो सबसे कम थी तो इसको माइनस करना होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी ई पॉइंट पर है, देन ई के लिए ई प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए फोर, ये फॉर्मूला आ गया। जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ई यहां पे प्लस का है, प्लस ए वन माइनस ई माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री प्लस ए फोर, उल्टे हो जाएंगे सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। E प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ए वन प्लस का था माइनस का हो गया, बाकी सारे कोई जो माइनस का था प्लस का हो गया, जो प्लस का था माइनस का, और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, सारे साइन चेंज हो गए। अब E यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का था इस फॉर्मूला में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। A प्लस का था माइनस का था, ये कट जाएगा, इट मींस ये वाली वैल्यूज रह जाएंगी, ये क्या आएगा, सिंपल फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आ जाएगा। जितनी इन तीनों को
ऐड करके या माइनस करके वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, इट मींस अगर आपको कहीं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी पड़े तो आपको उसकी मीन वैल्यू पता होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि मीन वैल्यू तो इस फॉर्मूला में आई ही नहीं गई। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई और कितनी ज्यादा डिक्रीज हुई, उन दोनों से ही आपको उसका फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे आप फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट उसमें टॉपिक में आप इसको क्लियर करेंगे। लेकिन एक फार्मूला यूज होता है फ्लाईव्हील के अंदर स्टोर्ड एनर्जी फाइंड आउट करने का, कि कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, डेल्टा ई ये वाली एनर्जी जो है ये कितनी है, इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है। वो मैं आपको इसी लेक्चर में करवा देता हूं। डेल्टा ई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? तो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए फ्लाईव्हील, एनर्जी स्टोर्ड इन ए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी जा सकती है। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर रह सकती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 900 इनटू मास इनटू के स्क्वायर इनटू एन एम स्क्वायर इंटू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसके अंदर क्या फाइंड आउट करने का कि कितनी एनर्जी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल पक्का आएंगे फाइनल एग्जाम के अंदर, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूं मैं। एम इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लाईव्हील, मास ऑफ फ्लाईव्हील, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन, एक मिनट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोटेशन वो टर्न कर रहा है, कितनी नंबर ऑफ रोटेशन वो घूम रहा है। ठीक है, आरपीएम भी बोल सकते हैं, सेम है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें है इसके अंदर? आई है मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अगर इसके अंदर और चीजें मास आ गया, क्या के क्या है? रेडियस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखी होंगी। ठीक है, एन पता है आपको, रेडियस ऑफ वेरिएशन आ गया, एन नंबर ऑफ रोटेशन, मास आ गया, और कोई चीज इसके अंदर है नहीं फॉर्मूला के अंदर बेसिक। ठीक है, तो बाकी आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।